अब सीधे रुख करते हैं बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश, क्या कुछ विशेष रहने वाला है बीजापुर में? और देखने को मिल रहा है लगातार नक्सलियों की काराना करतूत भी सामने आ रही, लगातार नक्सलियों के द्वारा अटैक भी देखने को मिले हैं, पर बीजापुर में आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है जो दिन भर सुर्खियों में बना रहेगा? बिल्कुल, बीजापुर जिला जिस तरह का संवेदनशील जिला कहलाता है, माना भी जाता है, उसको देखते हुए भी किया जाता है। जैसे एक घटना मैं आपको बता दूं, कल रात में एक कार सवार ने दो दंपति जो बाइक स्कूटी में सवार थे उनको जोरदार टक्कर मार करके उनका जो है स्पॉट में डेथ हो गया, और कार सवार जो था आरोपी वो फरार हो गया। और पूरे मामले को जब देखा गया तो पूरे मामले पर परिजन समाज के लोग जो है पूरे अस्पताल में वहां पे पहुंचे हुए थे, और अस्पताल का घेराव करके जो जिला अस्पताल के जो सीएस हैं जिनका कार बताया जा रहा है, सिविल सर्जन जी का कार बताया जा रहा है, और खबर निकल के ये भी आई थी सूत्रों के हवाले से कि उस कार में चालक जो था वो सीएस का बेटा भी खुद था। तो इस मामले को देखते हुए काफी गंभीरता से नजर आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार का यह मामला था और जिस प्रकार का इसमें जो हलचल नजर आई वो देखने वाली बात थी, क्योंकि सारे मामले को प्रशासनिक का तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि जिस प्रकार का यह केस बनता है उस प्रकार का केस पहला चीज तो बनाया नहीं गया। एफआईआर जिस तरह से होना चाहिए था वो एफआईआर उस तरह से हुआ नहीं था, और उसके बाद में जब समाज के प्रतिनिधियों का जब अस्पताल का घेराव किया गया और उस दरमियान जब अस्पताल के लोग वहां पे पहुंचे और पूरी प्रशासनिक अमला जब वहां पे पहुंचा अस्पताल पर, उसके बाद जाकर के कहीं पुलिस प्रशासन हरकत में आई, और हरकत में आने के बाद में आनंद फानंद में जो है आरोपी का सर्च किया गया, आरोपी का जीपीएस सर्च किया गया, और उसके पश्चात पता चला कि देर रात 12:30 बज रहे थे होंगे, तब पता चला कि आरोपी जो है कहीं पे छुपा बैठा हुआ है, और उसके बाद में एक टीम यहां से निकलती है उसे पकड़ने के लिए, और जब आरोपी के पास पहुंचती है तो आरोपी वहां से भी फरार हो जाता है, और फिर जब पुलिस प्रशासन को समाज के द्वारा बोला जाता है कि आखिर हुआ क्या है, आरोपी अब तक क्यों पकड़ाया नहीं गया, क्योंकि 5 से 6 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के हाथ खाली नजर आ रहे थे, तो समाज के लोग भी काफी आक्रोशित नजर आए, काफी गुस्से में नजर आए, और पूरे के पूरे जो जिला अस्पताल है उसके सामने धरने पर बैठ गए, और लगभग 1:30 से 2 बजे तक वहां पे लोगों का जमावड़ा जो बहरा हुआ था वो देखने लायक था, क्योंकि सारे लोग आक्रोशित थे, और उसी दरमियान एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, इनके खिलाफ नारेबाजी हुई, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई, सीएस के खिलाफ नारेबाजी हुई है, और इसके बाद में जब पुलिस एसडीएम और तहसीलदार वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में लोगों को मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन जो समाज के व्यक्तित्व थे, जो समाज के प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना यह था कि आप हमको आरोपी को मात्र दिखा दीजिए कि ये आरोपी है और इसे हमने पकड़ लिया, उसके बाद में हम जो है यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन समाज की जो बातें थी वहां पे प्रशासन के तौर पर बताया गया था प्रशासन को, प्रशासन उस बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करते दिखाई दिया, और प्रशासन के तरफ से जो चीज उनको कवायद करनी चाहिए थी वो सही तरीके से हुई नहीं, जिसके वजह से काफी ये जो घटना हुई है, घटना के बाद में जो जिस प्रकार का हलचल देखने को मिला काफी देखने लायक था। दूसरी चीज मैं ये आपको बता दूं कि NH-63 में जिस प्रकार की रोड का जो निर्माण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक वजह बन चुकी है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है लगातार, क्योंकि एक तरफ पे जो है बीटी चढ़ाया गया और एक तरफ जो है खाली है, और बीटी चढ़ा हुआ लगभग 1 महीना गुजर चुका है और दूसरे तरफ का बीटी अब तक चढ़ा नहीं है, तो इसको देखते हुए काफी जो लोग हैं और जो आना जाना वहां से कर रहे हैं, जो आवागमन वहां से हो रहा है, कहीं ना कहीं दुर्घटना को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है, और दुर्घटना इस प्रकार से हो रही है कि लगातार उस क्षेत्र में, उस एरिया में लगातार दुर्घटना बढ़ती जा रही है। पिछले कई दिनों से वहां पे 3 से 4 ऐसी दुर्घटना हुई है जिनमें काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है, काफी लोग जख्मी हुए, काफी लोगों को घरों में नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल सतीश, और सभी की लापरवाही यहाँ पर लगातार देखने को मिली है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।